बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को बेहतर कर दिया। 4 लाख प्राइवेट स्कूलों के बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ कर सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। इस बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए ये राजनीतिक दुर्भावना की गिरफ्तारी है, कोई आरोप है नहीं। और 1 साल से 1.5 साल से लगातार CBI जांच कर रही है, उनके घर देख लिए, उनके बैंक देख लिए, उनका गांव देख लिया, उनके कंप्यूटर देख लिया, उनका मोबाइल देख लिया, सब कुछ देख लिया, 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाई। सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जी को 9 महीने से अंदर करके रखा हुआ है, उसी प्रणाली पे आज तक उनके ऊपर भी 1 रुपये का आरोप ये नहीं लगा पाए, ना कोर्ट के अंदर लगा पाए ना बाहर लगा पाए। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया जी भी पूरी तरह पाक साफ है, सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से हुआ। और यही कारण है कि कल पूरे देश के अंदर इसका हमने BJP के मुख्यालयों का घेराव किया। हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस ने सीधा सिर पे लाठियां मारी हैं। हरियाणा पुलिस ने सिविल ड्रेस के अंदर गुंडों को उतार के भाजपा के इशारे पे पीसफुल प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, परंतु हरियाणा पुलिस ने लगातार अनेकों सैकड़ों लोगों को जख्मी किया। ये बहुत एक ऐसा सवाल है, इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया जी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई है, और मैं समझता हूँ कि 4:30-5 बजे सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगा। सुशील जी, आपने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी थे वो तैनात थे, तो हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी जहां प्रोटेस्ट हुआ वहां पर सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात थे, तो क्या लगता है आपको एक सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस ने इस तरीके से सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को उतारा था ताकि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो उग्र ना हो सके? दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में घुस के हमारे विधायक साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी पुलिस मैनुअल कोड का इन्होंने पालन नहीं किया। पहले होता था अंग्रेजों के समय पे कि सिर पे लाठियां मारो, दुश्मन देश के लोग हैं, गुलाम हैं। आज तो पुलिस मैनुअल कोड के अंदर लिखा हो कि पहले आप वार्निंग देंगे, वार्निंग देने के बाद में आप ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो पैरों पे लाठी मारेंगे, और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को कुछ नहीं कहेंगे, संविधान का प्रोविज़न है। हमारा पूरे देश में पीसफुल प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के अंदर जब इन्होंने सिर पे सीधे लाठियां मारी, नाक पे मारी, लोगों के छाती पे मारी, महिलाओं को, महिला कार्यकर्ताओं को पुरुष द्वारा मैन हैंडल किया गया, बहुत शर्मनाक घटना। BJP मुझे लगता है कि बहुत इतनी डर गई है और इतना ओछेपन पे आ गई है, ये चीज़ें राजनीतिक क्षेत्र के अंदर शोभा नहीं देती। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मना कर देता है तो आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी? देखिए, रणनीति तो तय होगी, परंतु आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट गई है और हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि वहाँ से न्याय मिलेगा, और न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर भी हमें पूरा विश्वास है। हम CBI को भी पूरा कॉपरेट करते रहे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नोटिस हमें मिला हो, हमने उसका जवाब ना दिया हो। हम न्यायालय के भी पूरा विश्वास करते हैं, हम एजेंसियों को भी पूरा कॉपरेट करते हैं, परंतु इस तरीके के तानाशाही काम विरोध करते हैं। लेकिन अगर सुशील जी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, खास तौर से अगर हम मनोज तिवारी की बात करें या फिर सांसद गौतम गंभीर की बात करें, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई बयां क्यों नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर घोटाला नहीं हुआ है तो CM साहब सामने आए, बताएं कि घोटाला नहीं हुआ, और कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ। देखिए, घोटाला है ही नहीं, इनके 500 के करीब CBI के ऑफिसर लगे हुए थे, 1 साल से लगातार जांच कर रहे थे, 1 रुपया कहीं निकाल नहीं पाए। अगर घोटाला होगा, कोई आदमी जमीन खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट होगी। इन्होंने सब जगह सब कुछ जांच किया है, घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक बलराम, एक सवाल अरविंद केजरीवाल, एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ। ये BJP की घबराहट है, जब अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के सामने सदन के अंदर आवाज को उठाया, आज तक वो हजारों करोड़ रुपए सभा हो गए,
गरीब जनता के, जिन्होंने LIC में लगा रखे थे, SBI में लगा रखे थे, PNB में लगा रखे थे, अभी तक ED और CBI नहीं गई क्योंकि वो मित्र हैं सुप्रीम, उनके BJP के सुप्रीमो के। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? ये देश के अंदर दो दो कानून, एक अच्छे स्कूल बनाए तो उसके अंदर डाल दो, एक लाखों करोड़ रुपये सवा कर जाए तो वहाँ ना जाओ। सुशील जी, एक सवाल हमारे एंकर का है। बिल्कुल, सवाल क्या है? मनोज तिवारी ने मास्टरमाइंड को लेकर यहाँ पर बात कही है कि अब जांच जो है मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी, इसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि अब जांच धीरे धीरे मास्टरमाइंड तक पहुंच रही है। तो आखिरकार जो मास्टरमाइंड को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली नगर निगम में दिल्ली की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, और इन्होंने तानाशाही तरीके से पहले मेयर भी चुनने के अंदर अड़चने लगाई, पूरा भरसक प्रयत्न किया, इनकी सीख पे मार पुजार सब कुछ हाउस के अंदर जो नहीं होना चाहिए था दिल्ली की जनता ने वो देखा, परंतु अंत में सच्चाई की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया। इसके अंदर भी यही होगा, ये जो मर्जी ड्रामेबाजी करें, अंत में सच्चाई की जीत होगी और मनीष जी बाहर आएंगे। इनकी जेलें जितनी मर्जियों कम पड़ जाएगी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जेलों से नहीं डरते, जेल भरने के लिए तैयार है परंतु झुकने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों ने दो गंभीर आरोप लगाए हैं, पहला कहा कि CBI की जो पूछताछ की प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए, दूसरा आप लोगों ने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि CBI तो कह रही है कि हम तो नियमों का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। ये नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने आकाओं के आदेश को मान रहे हैं। आकाओं का आदेश ये है कि कुछ भी हो, दोष की जरूरत नहीं है, बस इनको गिरफ्तार करो, ये इसका पालन कर रहे हैं। और ये तो मोदी जी चुनाव से पहले कहते थे कि बंद तोते का पिंजरा है ये, कांग्रेस पहले कांग्रेस कराती थी ये काम, अब BJP करा रही है काम। यानी तो बलराम, देखा हमारे साथ बात कही जा रही है कि जो मास्टरमाइंड यानी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है कि उन तक अब जांच पहुंचेगी। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। हालांकि अब जांच कहां तक पहुंचेगी, किस तरीके से CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरीके से ED इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पर अभी सवाल खड़े करना जल्दबाजी होगा। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो कार्रवाई है वो राजनीति के तहत जो करने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि CBI जो कर रही है ठीक कर रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन देखिए जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियों पे सवाल खड़ा करना जल्दबाजी होगी। देखिए, जो भी प्रक्रिया है CBI की वो अपनी पूरी कर रहे हैं। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया जी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 3:50 पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। अब ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बलराम, और एक बार मैं CBI ऑफिस का भी रुख कर लेती हूं।